हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी? सब बढ़िया जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कस कर लेते हैं। आज 31 तारीख है जी, और आज के एडिटोरियल को हम सीखते हैं जी। आज की इस वीडियो में रहने क्या वाला है, आज के एडिटोरियल से जो भी वोकैबुलरी होगी हम उसको एक्सट्रैक्ट करके सीखेंगे कि कौन से हमारे एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट वर्ड्स रहेंगे जी। उन्हीं वोकैबुलरी से क्विज बना दिए, उस क्विज को करेंगे बाद में हम लोग, ताकि पता लग जाए कि यस हमें कितनी चीज को याद कर पाए हम लोग। और उसी एडिटोरियल को हम एनालिसिस करेंगे जी कि क्या हमारे करंट अफेयर के परस्पेक्टिव से और क्या हमारे रीडिंग के परस्पेक्टिव से वहां से निकाला जा सकता है जी। और उसी एडिटोरियल से हम लोग ग्रामर से कुछ कंसेप्ट सीखेंगे जो जनरल यूज में आते रहते हैं, उनको सीखेंगे जी। और उसी एडिटोरियल के बेस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे कॉम्प्रीहेंशन के, वो भी हमें करने हैं जी। ठीक है जी। और जितने भी आप लोग क्विज अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो वोकैबुलरी क्विज हो या चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चन का क्विज हो, यू हैव टू कमेंट, आपको कमेंट करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि कितने मार्क्स आप गेन कर पा रहे हो। 10 में से 5 आ पाए हैं, 7 में से 3 आ पाए हैं, 4 आए हैं, 5 आए हैं, जो भी है। ठीक है, कि मुझे पता लगे कि यस आप लोग कुछ सीख रहे हो और आप लोगों को लर्निंग में फायदा हो रहा है जी। ये जितने भी हम लोग वीडियोस बना रहे हैं फ्रेंड्स, ये एसएससी के लिए, बैंकिंग के लिए, सीडीएस एनडीए और यूपीएससी एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट रहेंगी, और इनमें बहुत फायदा मिलेगा आप लोगों को जी। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छे तरीके से पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिले जी। ठीक है जी। तो चलिए आज के एडिटोरियल को डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले सीखेंगे आज के एडिटोरियल की वोकैबुलरी जी। द फर्स्ट वर्ड वी हैव इज डिटर्मिनेशन जी। डिटर्मिनेशन के वर्ड के पीछे क्या आएगा डियर? TION। TION का मतलब होता है नाउन के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स। तो डिटर्मिनेशन एक नाउन के तरीके से काम करता है, जिसमें दृढ़ निश्चय या कोई हमारा कदम या कोई हम लोगों ने कोई ठान ली है कोई चीज, उस चीज को दिखाने के लिए डिटर्मिनेशन वर्ड यूज होता है जी। रिजोल्यूशन, रिजोल्व, विल पावर, स्ट्रॉन्ग माइंडेडनेस, सेंस फर्मनेस ऑफ पर्पस, इन सबको दिखाने के लिए डिटर्मिनेशन वर्ड यूज होता है जी। नो नॉन सेंस, देखो नॉन सेंस का मतलब इसमें सेंस ना हो, और इससे पहले हम लोगों ने एक वर्ड लिखा था नो, अगर डबल नो लगा जिसका मतलब डबल कैंसिल होगा डियर, वो तो सेंस के बारे में बात कर रहे हैं जी। सेंस का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल हो कोई चीज, सेंसिबल हो कोई चीज, वो होती है नो नॉन सेंस। एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये वाला, मैटर ऑफ फैक्ट, डाउन टू अर्थ, प्रैक्टिकल, सेंसिबल, रियलिस्टिक, अच्छे सिनोनिम डियर ये वाले। रीजनेबल भी कह पाएंगे फ्रेंड इसको, रेशनल, लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, लेवल हैंडेड और सीरियस माइंडेड और रिस्पॉन्सिबल जी। ठीक है जी, अच्छे वर्ड्स हैं इसमें। रीजनेबल हो गया, रेशनल, लॉजिकल, प्रैग्मेटिक, ये अच्छे वर्ड है जी, जनरली आपके एग्जाम में मिलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज फ्लेयर अप। फ्लेयर अप एक नाउन के तरीके से काम करता है। फ्लेयर क्या होता है, जैसे क्या होता है, आप लोगों ने लो देखी होगी, आग की लो होती है, लो मतलब आग, एक तो आग होती है और एक जगह आग नहीं है, आग और उसके बीच में लो होती है जी, जहाँ पे ज्वलनशील कुछ चीज चल रही होती है, उसको फ्लेयर बोलते हैं जी। तो नाउन के तरीके से काम आ गया। फ्लेयर अप का मतलब होता है जहाँ पे कुछ चीजें दंगा फसाद हो जाए, एकदम से कुछ इरप्शन हो जाए, ठीक है, एकदम से कुछ होना, वो फ्लेयर अप होता है जी। सडन आउटब्रेक, इरप्शन, आउटबर्स्ट, अपसर्ज, ब्रेकआउट, ब्लो अप ऑफ समथिंग अनवेलकम, कोई चीज अचानक से घटित हो जाए, उसे चीज को फ्लेयर अप बोलते हैं जी। काल, काल एक हमारा एक वर्ब होती है, किसी को पुकारना, कॉल करना, एक नाउन के तरीके से भी होता है। कॉल का मतलब अपील करना होता है फ्रेंड्स, अपील करना, रिक्वेस्ट करना, डिमांड करना है, डिसीजन लेना जी। ठीक है जी, कॉल होता है। अफिलियट वर्ड क्या जी? अफिलिएट, आप लोगों को सुना होगा कि ये कॉलेज अफिलिएटेड है कौन सी यूनिवर्सिटी से। अफिलिएटेड का मतलब उसका पार्टनर है जी, क्या उसका पार्टनर है, एसोसिएट, एलाई और पार्टनर, ब्रांच, ऑफशोर जी। ठीक है जी, ऑफशोर ध्यान रखना, बड़ा अच्छा है वर्ड ये ऑफशोर। ऑफशोर का मतलब होता है उस चीज से अटैच है कोई चीज। अंडरटेक वर्ड वी हैव, अंडरटेक आप लोगों ने वर्ड सुना होगा, अंडरटेकर क्या वर्ड है? अंडरटेकर, अंडरटेकर तो होता है जो किसी को जान लेने वाला होता है जी, लेकिन यहाँ पे अंडरटेकर वर्ब है फ्रेंड्स। अंडरटेक का मतलब होता है टेक पार्ट इन, किसी चीज में पार्टिसिपेट करना, एंगेज करना उसमें, पार्टिसिपेट करना, इन्वॉल्व होना, सेट अबाउट या गो अबाउट, ठीक, अंडरटेक करना। प्रोसेशन वर्ड क्या जी? प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब होता है कोई जगह यात्रा निकालना, रैली निकालना, ठीक है जी, मार्च निकालना, वो होता है प्रोसेशन जी, मार्च, रैली, यात्रा जी। वोलेटाइल वर्ड वी हैव इज वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है जो एक जगह स्टेबल ना रहे, अनस्टेबल चीजों को रेफर करने के लिए यूज करते हैं वोलेटाइल, जो चेंज होता रहे जी। एडजेक्टिव के तरीके से काम करते हैं, टेंस, स्ट्रेन, फ्रॉट, इरप्टिव, टर्बुलेंट, अनस्टेबल, देखो अनस्टेडी, अनसर्टेन, इन सब का मीनिंग क्या हुआ? वोलेटाइल होगा फ्रेंड्स। कीप हैव समवन ऑन देयर टोज, किसी को अपने पैरों पे ले आना, वो क्या होता है जी? टू रिमेन अलर्ट एंड रेडी टू डील विद एनीथिंग माइट हैपन। अगर मान लो कोई भी चीज आपके पैरों पे या उनके पैरों पे आ गई, इट मीन्स वो क्या हो गए, अलर्ट हो गए या रेडी हो गए, क्या करने, किसी भी चीज को अगर हो जाती है उससे डील करने के लिए जी।
ठीक है जी। अगर कोई भी चीज आपके पैरों तक खींच के चली जाती है या किसी के पैरों तक आप खींच के ले जाते हो, इट मीन्स क्या हुआ, दे आर रेडी टू अलर्ट और रेडी टू डील विद एनीथिंग माइट हैपन जी। ठीक है जी, कुछ भी हो जाए उसे लड़ने के लिए रेडी हो जाना वो होता है समवन ऑन देयर फीट जी। ठीक है जी। क्लैश, क्लैश क्या मतलब, आपने देखा हो क्लैश ऑफ टाइटंस होता है, क्लैश का मतलब कंफ्लिक्ट होता है, फाइट होता है, टसल, टसल अच्छा वर्ड है ठीक, रॉयल डिस्प्यूट, डिस्कॉर्ड भी अच्छा वर्ड है, हॉस्टिलिटी, फ्रिक्शन भी अच्छा वर्ड है, स्ट्राइक भी अच्छा वर्ड, चारों वर्ड अच्छे हैं जी। ठीक है जी। देखो मैं जो भी आप लोगों के सामने ये जितने भी सर्कल करता हूँ वर्ड्स के ऊपर, ये वो वर्ड हैं जो मॉडरेट वोकैबुलरी के वर्ड होते हैं जी। एक तो हाई वोकैबुलरी हो गई डियर, एडवांस वर्ड हो गए, एक मॉडरेट वर्ड हो गए, और एक होते हैं बिल्कुल बेसिक वर्ड। बेसिक वर्ड वो जैसे अब फाइट है, फाइट सभी को पता है, फाइट का लड़ाई होता है, ये बेसिक वर्ड है जी। लेकिन फाइट का सिनोनिम क्या होगा, टसल, टसल क्या होगा डियर, हमारा मॉडरेट वर्ड होगा, और इसी का मतलब क्या हो जाएगा डियर, कोमोशन हो जाएगा, फ्रेकाज हो जाएंगे, तो वो एडवांस वर्ड हो जाएंगे डियर। तो जो भी मैं आपको सर्कल करता हूँ वर्ड्स के ऊपर, वो जरूर से जरूर आपको याद करने हैं, फ्रिक्शन, स्ट्राइक। ठीक है जी। क्लेम, क्लेम का मतलब होता है एक तो दावा करना, एक क्लेम का मतलब होता है किसी चीज को रिजल्ट देना है, कोज करना उसकी, क्लेम का मतलब टेक जिंदगी ले लेना भी होता है, कोज लाइव इन लॉस ऑफ लाइफ इसका मतलब भी होता है। ठीक है, जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया कहीं पे, तो भूकंप में 5 लोग मर गए, तो दिस अर्थक्वेक क्लेम्स, दिस अर्थक्वेक क्लेम्ड 5 लाइव्स। ठीक है, इस तरीके से बोलते, क्लेम का मतलब जान लेने वाला चीज। ठीक है, साइट, वर्ड वी हैव साइट, साइट का मतलब होता है रेफर करना, सिंपल देखना, रेफर करना उस चीज को, मेंशन करना, वो तो साइट का मतलब। ठीक है जी, आप लोगों ने साइट ये वाले भी सुने होंगे, SIGHT और एक SITE, ये साइट तो वेबसाइट होता है जी, और ये साइट का तो दृश्य होता है जी, कहते हैं दृश्य। लेकिन ये जो साइट है, जो वेबसाइट वाली होती है, इस साइट का मतलब ये भी होता है जी, हाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कहीं पे, कोई एरिया ऑफ एक्टिविटी को रेफर करने के लिए साइट प्रोड्यूस करती है ये वाला जी। ध्यान रखोगे, इस साइड का मतलब दृश्य होता है। आगे देखते हैं, व्हाट वी हैव इज अपकमिंग, अपकमिंग का मतलब आने वाला जी, अप्रोचिंग, फोर्थकमिंग, इमिनेंट, इमिनेंट अच्छा वर्ड है, नियरिंग, इम्पेंडिंग, इम्पेंडिंग अच्छा वर्ड है जी। ठीक है जी। फेस ऑफ, फेस ऑफ का मतलब होता है फाइट होना किसी से जी। ठीक है, फेस ऑफ का आप लोग रिप्लाई कर पाओ स्टैंड ऑफ से जी, स्टैंड ऑफ, ये भी एक ही बात होती है। ठीक है जी। क्लैश, फाइट, कॉन्फ्लिक्ट, कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन अच्छा वर्ड है। ठीक है जी। आउटफिट, आउटफिट का मतलब होता है किसी ग्रुप से, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड रहना चाहिए। ठीक है, आउटफिट उसका जी, वो ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप। एस्कोर्ट, एस्कोर्ट का मतलब गार्ड बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, एस्कोर्ट। जैसे मान लो कोई बंदा, जैसे बच्चा होता है, बच्चों को यहाँ अगर पहुंचाना हम लोगों को, और वो बच्चा अकेला नहीं जा सकता, तो हमको साथ जाना पड़ता है, तो वी आर एस्कोर्ट ऑफ हिम। ठीक है जी, इस तरीके से यूज करते हैं, सेफ गार्ड या प्रोटेक्शन देना। मार्क, वर्ड क्या है, मार्क एक वर्ब के तरीके से काम करता है डियर। एक तो मार्क का मतलब ऑब्जर्व करना भी होता है बिल्कुल जी, एक रिकग्नाइज करना, सेलिब्रेट करना भी मार्क का मतलब होता है। ठीक है, एक्नोलेज इन इम्पोर्टेंट इवेंट, किसी इम्पोर्टेंट इवेंट को मान लेना, इस चीज को क्या करना, ऑब्जर्व करना, वो भी हमारे क्या होता है, मार्क वर्ड होता है जी। तो मार्क कई जगह आ जाता है जी, जैसे अलग अलग सिचुएशन होती है, वो अलग कुछ मार्क करती है। जैसे मान लो अगर कहीं पे मान लो दंगे हो गए, तो दंगों से हमें पता लगा कि ये भी हो सकता है, तो दिस दंगे मार्क्स, तो इस सेंस में यूज कर लेते हैं मार्क्स। ठीक है जी। तो मार्क्स का मतलब होता है ऑब्जर्व, रिकॉग्नाइज, सेलिब्रेट करना फ्रेंड्स। व्हाट वी हैव अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड, प्रेसिडेंटेड का मतलब जो पहले हो चुका हो, अन का मतलब जो आज तक ना हुआ, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है जो आज तक नहीं हुआ, नॉट डन और एक्सपीरियंस भी हो, जो आज तक ना हो उसे बोलते हैं अनप्रेसिडेंटेड। कॉर्डन, कॉर्डन का मतलब बैरियर देना जी, कहीं पे प्रोटेक्शन दे देना उस चीज को, बैरियर लगा देना, लाइन लगा देना, रिंग ऑफ पीपल, थिंग्स, प्लेस अराउंड एन एक्टिया टू इनक्लोज और प्रोटेक्ट इट जी। ठीक है जी। प्रोहिबिटरी ऑर्डर, प्रोहिबिटरी ऑर्डर मतलब किसी निलंबित या किसी को पाबंदी लगाने वाले ऑर्डर्स को बोलते हैं प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स। इट रेफर टू ऑर्डर इश्यू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी प्रोहिबिटिंग सर्टेन थिंग्स अंडर वेरियस एक्ट्स, प्रोहिबिशन वाले ऑर्डर होते हैं जी। ठीक है जी। नेट बंद कर दिया, ठीक है आप लोग पोस्ट नहीं कर पाओगे कुछ, ठीक है आपके व्हाट्सएप नहीं चलेंगे, प्रोहिबिटरी ऑर्डर होते हैं जी। पर्सनल, वर्ड क्या है जी, पर्सनल, पर्सनल का मतलब क्या होता है, क्रू मेंबर होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, वर्क फोर्स होते हैं, स्टाफ होता है जी, क्रू या फोर्सेज को रेफर करने के लिए करते हैं। ठीक है जी। डिप्लॉय का मतलब होता है कहीं जगह कोई चीज लगाना, एम्प्लॉय कर देना उसको जी। ठीक है जी। एम्प्लॉय फोर्सेस ट्रूप्स इनटू इफेक्टिव एक्शन, जहां पे कोई एरिया ऑफ एक्टिविटी पे उनको लगा देना जी, तैनात कर देना उनको जी। ठीक है, वो डिप्लॉय का मतलब होता है फ्रेंड्स। डिटेन, डिटेन का मतलब बंदी बना लेना किसी चीज को, टेक इनटू कस्टडी, अरेस्ट करना, होल्ड इन कस्टडी। अभी जैसे आप लोगों के सामने वर्ड आया टेक इनटू कस्टडी और होल्ड इन कस्टडी, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। क्यों ध्यान रखने है? इनको बोलते हैं कोलोकेशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कोलोकेशन एग्जाम में आजकल आने लग गई है जी। कोलोकेशन
कोलोकेशन का मतलब होगा कि कस्टडी वर्ड दे देगा वहां पे, और उससे पहले दे देगा कि होल्ड इन, बैक इन, ब्रिंग इन और टेक इन। तो आप लोगों को वहां पे देखना पड़ेगा कि होल्ड इन कस्टडी होता है, होल्ड इन का मतलब होता है उसको बंदी बना लेना चाहिए। तो होल्ड इन आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। मेजर, मेजर का मतलब कदम होता है फ्रेंड्स, कोई डिसीजन लेना, मूव लेना, एक्शन लेना, एक या स्टेप लेना, ठीक है जी। वर्ड है अर्नेस्टनेस, वर्ड क्या है जी, अर्नेस्टनेस। जो वर्ड आपको पूछना होगा अर्नेस्टली, कई बार आता है ये अर्नेस्टली। अर्नेस्टली का मतलब होता है डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशनली, ठीक है जी, डिटरमाइंड तरीके से कोई काम करना जी होता है अर्नेस्टली, ठीक है जी। सिंसियरली भी अर्नेस्टली का मीनिंग हो जाएगा। तो अर्नेस्टनेस का मतलब होता है डिटरमिनेशन, दृढ़ निश्चय, सीरियसनेस, सिंसियर, इंटेंस कन्विक्शन, ओपिनियन और स्टांस। मतलब दृढ़ निश्चय, अपने अपनी जगह खुद लेना चाहता है, अपने स्टेप पे, अपने ओपिनियन पे वो खड़ा रह सकता है, उस चीज को बोलते हैं अर्नेस्टनेस, ठीक है जी। अच्छा वर्ड ध्यान रखना, इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग इसको। नेक्स्ट वर्ड है पुट समथिंग बिहाइंड, पुट समथिंग बिहाइंड, किसी चीज को पीछे ले जाना। पीछे ले जाने का मतलब उसको भूलने की सेंस में होते हैं। पुट समथिंग बिहाइंड का मतलब फॉरगेट अबाउट समथिंग, पे नो हीड टू समथिंग, इग्नोर कर देना। हीड का मतलब होता केयर। हार्मनी का मतलब शांति स्थापित करना, यूनिटी, सॉलिडरिटी। रैपर, रैपर अच्छा वर्ड है, ठीक है। रैपर का मतलब होता है एग्रीमेंट टाइप में, गुडविल होना, कोऑपरेशन होना किसी से, पीसफुलनेस, अमाइकेबिलिटी और फ्रेंडशिप। हार्मनी अच्छा वर्ड है। हाई स्टेक्स, वर्ड क्या होता है स्टेक्स, स्टेक्स का मतलब होता है डियर दावा होना उस चीज का, ठीक है, उस चीज के मतलब चैलेंज होना, हाई स्टेक्स होता है जी, ठीक है जी। हाई स्टेक्स का मतलब तो हाई रिस्क होता है जनरली। जैसे कहता है, जैसे मान लो किसी बंदे ने रिस्क लेकर कोई काम कर दिया और उस रिस्क में कई लोगों की जान चली गई, तो वो हाई स्टेक्स वाला रिस्क था, ठीक है जी। सेंस में यूज करते हैं हाई रिस्क, कंपटीशन, कंटेस्ट, बैटल और रिस्क, चैलेंज को बोलते हैं जी। प्रोस्पर्स, प्रोस्पर्स का मतलब होता है समृद्धि, थ्राइविंग, प्रोस्परिंग, बायंट, बायंट अच्छा वर्ड है, फ्लोरिशिंग, बूमिंग, एक्सपेंडिंग और बर्जियोनिंग, बर्जियोनिंग भी अच्छा वर्ड है जी। तो बायंट और बर्जियोनिंग दोनों का मतलब होता है कि फलना फूलना जी, फ्लोरिश करना फ्रेंड्स। अबर्ट, वर्ड क्या है जी, अबर्ट, अबर्ट का मतलब होता है किसी से जुड़े हुए होना। अबर्ट का मतलब क्या होता है, कनेक्शन होना किसी से, एडजॉइन होना, बी एडसेंट होना, बॉर्डर होना किसी के साथ, किसी का पड़ोसी होना, उस चीज को सराउंड कर लेना, उससे अगला होना, इसका मतलब किसी से जुड़ा हुआ होना मतलब होता है, अबर्ट का मतलब, ठीक। अच्छा वर्ड है, ध्यान रखोगे स्टामा कर सकते हो आप लोग इसको। अनस्क्रूपलस, वर्ड वी हैव इज अनस्क्रूपलस, एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है फ्रेंड्स ये। इसका मतलब देखो, स्क्रूपलस वर्ड होता है, वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, स्क्रूपलस। स्क्रूपलस का मतलब होता है डिसिप्लिनड, और अनस्क्रूपलस का मतलब अनप्रिंसिपल, अनडिसिप्लिन, अनएथिकल, इमोरल, डिसऑनेस्टी, अनट्रस्टवर्दी, शेमलेस, एक्सप्लोइटेटिव, करप्ट, फ्रॉडुलेंट, डिसीटफुल। ये सारे के सारे सिनोनिम है अनस्क्रूपलस के। इसका मतलब स्क्रूपलस जो वर्ड है वो पॉजिटिव वर्ड है जी, ध्यान रखोगे आप लोग, ठीक है जी। आयरन हैंड, आयरन हैंड का मतलब होता है कि मजबूती से कोई काम करना, मजबूती से कोई पावर को एक्सरसाइज करना, वो होता है आयरन हैंड, ठीक है जी। एक्सरसाइज ऑफ पावर, अथॉरिटी ऑफ विद फर्मनेस। फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब होता है कोई चीज का एक्सट्रीम पार्ट होना, अनऑफिशियल पार्ट होना जी, ठीक है। रेडिकल होना, एक्सट्रीम, अनऑफिशियल या नॉन मेनस्ट्रीम या पेरिफेरल। फ्रिंज का मतलब होता है कि मेन धारा में ना होना लेकिन उससे जुड़ा हुआ होना चाहिए। मेक क्लियर, मेक क्लियर का मतलब एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना। इलुसिडेट अच्छा वर्ड है, कि इलुसिडेट पे क्यों गई थी, क्लियर करो उस चीज को। तो बहुत बार वर्ड रिपीट हो चुका है, इलुसिडेट आपको ध्यान रखना है। प्रिवेल, प्रिवेल का मतलब होता है कि उस चीज से विजय पा जाना जी, उस चीज को पर काबू पा जाना। विन थ्रू, सक्सीड, सॉरी, प्रो, सुपीरियर, कंकर, एग्जिस्ट, बी इन एग्जिस्टेंस, बी प्रेजेंट, बी प्रीवेलेंट। आप लोगों को वर्ड पढ़ने हैं फ्रेंड्स, जैसे मान लो मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, आप सुन भी रहे होगे, लेकिन आप अगर मेरे साथ साथ पढ़ोगे इन वर्ड्स को, तो आप पाओगे कि जो वर्ड्स आप बोल रहे हो वो आपके माइंड में क्या करेंगे, इको करेंगे फ्रेंड्स, तो आपको याद होने की ज्यादा चांसेस रहेंगे फ्रेंड वहां पे जी। कम्प्लीसिट वर्ड हमारे पास, कम्प्लीसिट अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव के तरीके से काम करता है। कम्प्लीसिट का मतलब होता है किसी में कंप्लाइंट करना जी, उसी से एसोसिएट रहना, पार्टनर होना उस चीज का, वो होता है कम्प्लीसिट करना चाहिए। एसोसिएटेड, पार्टनर, इन्वॉल्व विद अदर्स, मोस्टली इन रॉन्गफुल और इलीगल एक्टिविटी। इलीगल एक्टिविटी में किसी का साथी होता है, उस में एसोसिएशन होती है, उसी से जुड़ा हुआ होता है, उस बंदे को रेफर करने के लिए बोलते हैं कॉम्प्लिसिट, ठीक है जी। तो कॉम्प्लिसिट वर्ड क्लियर होगा हमारा। तो हम लोगों ये तीन स्लाइड हम लोगों ने की वो कैप की थी। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारे वर्ड्स नए सीखे होंगे इसके अंदर। तो मैंने कहा भी आप लोगों को, अगर कोई नया वर्ड सीखते हो तो यू हैव टू राइट इट ऑन योर नोटबुक, और किसी पेपर पे लिखना जरूरी है जी, ताकि विद इन अ वीक या वीकडे, वीकली या 10 डेज में आप लोग इस चीज को रिवाइज कर पाओ। रिविजन इज द की, ये बात ध्यान रखना आप लोग जी, ठीक है जी। तो चलिए
आज की वोकैबुलरी क्विज कर लेते हैं, जो इन्हीं वर्ड्स के ऊपर बेस रहेगा। आपको करने के लिए सिर्फ 4 से 5 सेकंड मिलेंगे फ्रेंड्स, और आपको क्लियर करना चाहिए। बहुत इजी वर्ड लगेंगे आप लोगों को अगर आप लोगों ने अच्छे तरीके से सीखा है इनको। फर्स्ट वर्ड है अनयील्डिंग। वर्ड क्या जी? अनयील्डिंग। यील्ड का मतलब तो सरेंडर कर देना जी। अनयील्डिंग का मतलब जो सरेंडर ना करे, अपनी बात को ना माने, जिद्दी बंदों को रेफर करने के लिए जो है अनयील्डिंग। सिनोनिम बताने हम लोगों को, ठीक है। फ्लेक्सिबल तो नहीं हो, फ्लेक्सिबल का मतलब तो मानने वाला। डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ दृढ़ निश्चय होता है, लेकिन अनयील्डिंग एक एडजेक्टिव है, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। ये एक एडजेक्टिव है, लेकिन डिटर्मिनेशन एक फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन के तरीके से काम कर रहा है जी। हेजिटेशन भी हमारा एंटोनिम हो जाएगा, ये हमें चाहिए नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? ये फर्मनेस, मजबूती, ठीक है जी, आंसर बनेगा ये वाला। नेक्स्ट वर्ड इज अपराइट। वर्ड क्या होता है? अपराइट। अपराइट का मतलब होता है राइटियस, जस्ट, मतलब जो अच्छा काम करता है उस चीज को बोलते हैं अपराइट, जो बढ़िया है, राइट है जी, ठीक है। आयरन हैंड तो जबरदस्ती वाला काम हो गया, डिसहोनेस्ट भी होगा, प्रिंसिपल्ड हो सकता है। लीनियंट का मतलब होता है कि दूसरे पे मतलब ज्यादा जोर ना दिखाए, ये भी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा प्रिंसिपल्ड, जब अपने कुछ प्रिंसिपल अपने कुछ सिद्धांतों पर काम करे जी। वर्ड वी हैव इज टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब क्या होता है जी? दंगे फसाद होना, कहीं पे कुछ हल्ला हु कट जाना, वो था टर्मोइल जी, ठीक है। इसका हमें सिनोनिम बताना। हार्मनी एंटोनिम हो जाएगा, ऑर्डर भी एंटोनिम, काम भी एंटोनिम। स्ट्राइफ हम लोगों ने वर्ड सीखा था जी, ठीक है। स्ट्राइफ क्या बनेगा जिसका सिनोनिम बनेगा फ्रेंड? अच्छा वर्ड ये वाला। वर्ड वी हैव इज अमास। अमास का मतलब होता है गैदर करना जी, ठीक है। ये वर्ब के तरीके से काम करता फ्रेंड, ये गैदर करना से हमारा सिनोनिम हो जाएगा डी इसका। डिस्पर्स का मतलब फैला देना। कलेक्शन का मतलब देखो ये इकट्ठा हुआ, ये नाउन के तरीके से काम कर रहा है फ्रेंड्स, ये भी आपको समझना है यहाँ पे, ये नाउन है ये वर्ब है जी, ठीक है। आंसर बनेगा डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं बनेगा, आंसर बनेगा हमारा ए वाला जी। इनिशिएशन। व्हाट वी हैव इज इनिशिएशन, इसका आपको बताना है सिनोनिम जी। फर्स्ट वर्ड वी हैव एंगेजमेंट। देखो एंगेजमेंट का मतलब किसी से कनेक्शन करना जी, कनेक्ट होना किसी से, वो होता है एंगेजमेंट करना चाहिए, तो इनिशिएशन हमारा सिनोनिम नहीं होगा। कंक्लूजन का मतलब था कि उस चीज में रिजल्ट निकाल लेना उस चीज का, या तो ठीक है जी, लेकिन ये भी इनिशिएशन नहीं होगा। मतलब ये फाइनल वर्ड है, इनिशिएशन चाहिए हम लोगों को, शुरुआती वर्ड चाहिए थे। कमेंसमेंट, हम कमेंसमेंट हमारा क्या हो जाएगा? किसी चीज को स्टार्ट करना, टू स्टार्ट समथिंग, टू स्टार्ट समथिंग जी, ठीक है जी। इन्वॉल्वमेंट, ये हमारा पार्टिसिपेशन वाला वर्ड आएगा, ये आंसर नहीं बनेगा, आंसर बनेगा सी वाला जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, यूनिक, कॉमन, ऑर्डिनरी, अनप्रेसिडेंटेड और रेगुलर। हमें यूनिक चीज को रेफर करना है, यूनिक जो सबसे हटके हो, कॉमन तो होगी ना ही, ऑर्डिनरी होगी ना ही, रेगुलर होगी, आंसर क्या बनेगा डी, सी वाला जी। अच्छा वर्ड था ये वाला। एंगेज। वट वी हैव इज एंगेज। एंगेज का मतलब उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप लोग ऑप्शन देखोगे तो विड्रॉ करना, डिटैच होना, आइसोलेट होना, तीनों एक ही टाइप के वर्ड है, किसी से अलग थलग होना, ठीक है जी। आंसर हमारा क्या आएगा? पार्टिसिपेट करना चाहिए। एथिकल। वर्ड क्या है जी? एथिकल। एथिकल का आप लोगों को सिनोनिम बताना है जी। इमोरल वर्ड। इमोरल का मतलब जो मोरल ना हो, ठीक है, नेगेटिव वर्ड हो गया। डिसोनेस्ट में नेगेटिव वर्ड हो गया। अनस्क्रूपलस। अनस्क्रूपलस हमने सीखा था कि अनप्रिंसिपल्ड होता है डियर, ये नेगेटिव वर्ड होता है डियर हमारा जी, आंसर ये भी नहीं होगा, आंसर बनेगा ऑनरेबल जी। क्या बनेगा डियर? ऑनरेबल। नेक्स्ट वर्ड है यूनाइट। यूनाइट का मतलब क्या होता है? इकट्ठे हो जाना जी। इकट्ठे होने को डिस्कॉर्ड तो नहीं बोले, डिस्कॉर्ड का मतलब झगड़ा होता है जी। ग्रीन का मतलब होता है कि जो नौसिखिया होता है डियर, ग्रीन का मतलब नो सीखिया, एक हरा रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पे नो सीखिए की सेंस में होता है, ये भी आंसर नहीं बनेगा। हार्मनी का मतलब पीस होना, एग्रीमेंट होना, ये आंसर बन सकता है। डिसएग्रीमेंट आंसर नहीं बनेगा जी, आंसर बनेगा सी वाला जी। लास्ट वर्ड ऑफ द क्विज लिबरेट। वर्ड क्या है जी? लिबरेट। लिबरेट का मतलब किसी को लिबर्टी दे देना, आजाद कर देना। तो डिटेन का मतलब क्या होता है? उस चीज को बंदी बना लेना, आंसर नहीं बनेगा। कैप्चर का मतलब पकड़ लेना। कन्फाइन का मतलब इस चीज को बंदी बना लेना, आंसर क्या बनेगा ये? रिलीज बनेगा जी, ठीक है जी। रिलीज इज द राइट आंसर। तो आप लोगों को कमेंट करना फ्रेंड्स कि आप लोग 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन ठीक हो पाए। 10 के 10 ठीक होने चाहिए, क्योंकि बहुत इजी क्विज था, बहुत मुश्किल क्विज नहीं था डियर, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल एनालिसिस की तरफ जी।
तो जो आज का एडिटोरियल सीखने वाले हैं डियर, हम करने वाले हैं वो है नू मॉडल। नू मतलब जो हरियाणा में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है डियर, नू। वो किस तरीके से मॉडल के तरीके सामने आया है या किस तरीके से वो एक मॉडल का काम कर रहा है फ्रेंड्स, वो हमें सीखना है आज के। ठीक है जी, तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। अ न्यू मॉडल, न्यू और नू, ठीक है, न्यू कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे, लेकिन वो नू मॉडल है फ्रेंड्स। ऑन हरियाणा एंड द डिटर्मिनेशन ऑफ द पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव, ये हरियाणा के ऊपर और उसके एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की डिटर्मिनेशन के ऊपर ये आर्टिकल लिखा फ्रेंड्स, कि कैसे उन्होंने अपने दृढ़ निश्चय का यूज करके इस चीज को मॉडल को, नू में कुछ शायद दंगे हो गए थे शायद, उस चीज को कैसे शांति स्थापित की फ्रेंड्स उन्होंने, ठीक है, उस चीज के ऊपर पूरा आर्टिकल लिखा है। चलो पढ़ते इस चीज को। अ नो नॉन सेंस अप्रोच बाय द अथॉरिटी अथॉरिटीज प्रिवेंटेड अनदर फ्लेयर अप। नो नॉन सेंस का मतलब मैंने कहा था कि सेंसिबल प्रैक्टिकल, एक जो प्रैक्टिकल अप्रोच किसके द्वारा ली गई, अथॉरिटीज के द्वारा गई, उस चीज ने बचा लिया किसको, अनदर फ्लेयर अप को, अनदर एक और दंगे होने वाले थे उनको बचा लिया गया किसके द्वारा, एक अच्छी सेंसिबल और प्रैग्मेटिक अप्रोच का यूज करके फ्रेंड्स। ठीक है जी, पढ़ना स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। द कॉल बाय द विश्व हिंदू परिषद VHP एंड इट्स एफिलिएट्स टू अंडरटेक अ प्रोसेशंस ऑन अगस्त 28 इन द कम्युनली वोलेटाइल नू डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा हैड द अथॉरिटीज ऑन देयर टोज। ये कह रहे कि जो कॉल, कॉल का मतलब जो कदम है, जो डिसीजन लिया है विश्व हिंदू परिषद ने, और उसके एफिलिएट्स, एफिलिएट्स का मतलब उसके जो दोस्त हैं, उसके जो पार्टनर है, क्या करने के लिए, अंडरटेक करने के लिए, परफॉर्म करने के लिए, कि एक यात्रा परफॉर्म करेंगे, रैली निकालेंगे ये 28 अगस्त को, ठीक है, इन द कम्युनली वोलेटाइल नो। कम्युनली का मतलब जहां पे जातीय चीजें पहले से फैली हुई है, वोलेटाइल का मतलब होता है अनस्टेबल चीजें हैं, तो जाति के नाम पे पहले से दंगे हो रखे वहां पे, और उसी जगह ये रैली निकालने वाले 28 अगस्त को इन हरियाणा में, इसने अथॉरिटीज को उनके टोज पे ला दिया। उनके टोज पे लाने का मतलब हो गया कि अथॉरिटीज को पता लग गया कि ये करने वाले हैं और पहले ही अच्छे तरीके से डील कर लिया जिससे, ठीक है, कहने का मतलब यही है। हैव समथिंग ऑन देयर टोज का मतलब मैंने बताया था कि किसी चीज के लिए अलर्ट हो जाना और उस चीज को, उस चीज से डील करने के लिए रेडी हो जाना, वो होता है अथॉरिटीज अब रेडी हो गई थी डील करने के लिए और अलर्ट हो गई थी जी। ठीक है जी, अ सिमिलर प्रोसेशन ऑन जुलाई 31 हैड लेड टू क्लैशेस दैट क्लेम 6 लाइव्स। असिमिलर मतलब जैसा ये एक यात्रा या ये रैली निकाली गई थी जुलाई 31 को, जिसके कारण क्या है, दंगे हो गए थे और उन दंगों में 6 की जान चली गई थी फ्रेंड्स। ठीक है जी, द एडमिनिस्ट्रेशन राइटली डिनाइड परमिशन फॉर द गैदरिंग साइटिंग द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन एंड द अपकमिंग G20 समिट इन द नेशनल कैपिटल। जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो सरकार है, उसने राइटली बिल्कुल अच्छे तरीके से डिनाई कर दिया परमिशन को कि आप लोग इकट्ठे नहीं हो पाओगे, यात्रा नहीं निकाल पाओगे, रैली नहीं कर पाओगे, किस चीज को देखते हुए, किस चीज को मेंशन करते हुए कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, कि पहले से वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, आप लोग रैली नहीं निकाल पाओगे, एंड और किस चीज को मेंशन करते हुए, G20 की समिट को जो अभी दिल्ली में होने वाली, नेशनल कैपिटल में होने वाली है। ठीक है जी, आफ्टर फेस ऑफ बिटवीन द ऑर्गेनाइजर्स एंड द एडमिनिस्ट्रेशन। फेस ऑफ का मतलब इन दोनों के बीच में क्लैशेज हो गए, मनमुटाव हो गया, फाइट हो गई जी। ठीक है जी, किसके बीच में, ऑर्गेनाइजर्स जो रैली को ऑर्गेनाइज करने वाले थे और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सरकार के बीच में। अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ हिंदू आउटफिट, कुछ रिप्रेजेंटेटिव का मतलब रिप्रेजेंट करने वाले, क्या रिप्रेजेंट करने वाले, हिंदू ग्रुप को, हिंदू की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने वाले बंदे को अलाउ किया गया अमिड पुलिस एस्कोर्ट। पुलिस एस्कॉर्ट का मतलब होगा पुलिस उनकी देख रेख कर रही थी, पुलिस उनको गार्ड कर रही थी कि वो क्या कर पाएंगे, ऑफर प्रेयर्स एट 3 लोकल टेम्पल टू मार्क कंक्लूजन ऑफ अ मंथ दैट मैनी फेथफुल कंसीडर सेक्रेड। देखो यहाँ पे समझना, अ फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मतलब कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ हिंदू लोग थे, उनको अलाउ किया गया कि आप लोग पुलिस की देख रेख में क्या कर पाओगे, प्रेयर्स को ऑफर कर पाओगे। यहाँ पे सीखने वाली चीज है, मैंने इसको रेड मार्क कर रखा डियर, क्यों कर रखा कि अब ऑफर्स को जनरली हम प्रेयर्स क्या करते हैं डियर, ऑफर करते हैं जी। यस, यहाँ पे सीखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं इसको, जो प्रेयर्स होती थी, ठीक है, प्रेयर्स के लिए एक वर्ब भी जो होती है ऑफर, ये समझना आप लोगों को, कई बार ये फिलर्स में भी आ चुकी है और कई बार ये क्लोज टेस्ट में भी आ चुकी है जी। तो जब भी प्रेयर्स के लिए वर्ब चाहिए आप लोगों को, तो उसके लिए क्या आएगा, ऑफर प्रेयर। ऑफर प्रेयर का मतलब होता है कि भगवान की पूजा करना फ्रेंड, प्रेयर करना जी भगवान से जी, वो होता है ऑफर प्रेयर जी। ठीक है जी, ध्यान रखना प्रेयर के लिए जो वर्ब यूज करोगे आप लोग, क्या यूज करोगे वहां पे, ऑफर यूज करो। ठीक है जी, कोलोकेशन मान सकते हो इस चीज को। तो कुछ हिंदू लोगों को क्या कर दिया, पुलिस एस्कोर्ट, पुलिस के गार्ड में, पुलिस की देख रेख में प्रेयर्स को ऑफर करने की अनुमति दी गई, कहाँ पे, 3 लोकल टेम्पल्स में, क्या करने के लिए, मार्क करने के लिए, मार्क करना सेलिब्रेट करने के लिए, क्या, द कंक्लूजन ऑफ अ मंथ, कंक्लूजन ऑफ अ मंथ,
कि एक महीने का आखिरी दिन था उनका, कोई जिस जो चीज को सेलिब्रेट करना चाहते थे, जिस चीज को वो भगवान को ऑब्जर्व करना चाहते थे कि एक एक महीने का आखिरी दिन आ गया और इस दिन कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए हम भगवान से पूजा करना चाहते हैं। उस चीज को, इनकी पूजा करने को बहुत सारे फेथफुल बंदे कंसिडर करते हैं सैक्रेड की, ये पवित्र चीज है जी। क्या है चीज? पवित्र चीज, ठीक है जी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट दिस टाइम वर अनप्रेसिडेंटेड विद मल्टी लेयर सिक्योरिटी कॉर्डन ऑन ऑल रोड लीडिंग टू नू फ्रॉम अक्रॉस हरियाणा। जो अब की बार सिक्योरिटी अरेंजमेंट थे वर अनप्रेसिडेंटेड, ऐसे थे कि जो आज तक नहीं हुए थे जी, ऐसे अरेंजमेंट किए गए थे जो आज तक नहीं हुए थे। कैसे अरेंजमेंट थे? विद अ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी, मतलब मल्टी लेयर का मतलब हो गया कि अलग अलग लेवल पे अलग अलग तरीके की सिक्योरिटी लगाई गई थी। जिसने क्या किया था? कोडोन किया था। कोडोन का मतलब क्या होता है? घेर लेना। क्या करना? घेर लेना, उस चीज के चारों तरफ मंडरा जाना। किसके? रोड्स की चारों तरफ क्या थी? मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी। वो रोड्स जो लीडिंग टू नू, जो नू तक आ रहे थे, कहने का मतलब जैसे मान लो ये नू हो गया डियर, तो एक रोड यहाँ से आ रहा है, एक रोड यहाँ से आ रहा है, एक रोड गुड़गांव से आ रहा है, एक रोड यहाँ से आ रहा है, तो इन चारों रोड पे क्या है? मल्टी लेयर सिक्योरिटी लगाई गई थी जी, वो जो नू तक आ रहे हैं हरियाणा के अलग अलग जगह से जी, ठीक है जी। इंटरनेट सर्विसेज एंड बल्क एसएमएसेस इन नू वर सस्पेंडेड। ये कब की बात कर रहे हैं? जब जब 28 अगस्त को इनकी रैली होनी थी जी, ठीक है जी, तो उस चीज को इन्होंने टाल दिया। तो उस चीज बता रहा कि इन्होंने क्या किया, इंटरनेट की सर्विस बल्क के एसएमएस को सस्पेंड कर दिया गया, बंद कर दिया गया, एंड प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इम्पोज इन एडवांस। पहले ही मतलब प्रतिबंधित ऑर्डर्स पहले ही क्या कर दिए गए थे? इम्पोज कर दिए, लागू कर दिए गए थे जी, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं? ऑल स्कूल्स कॉलेजेस एंड बैंक्स वर डायरेक्टेड टू रिमेन शट ऑन अगस्त 28। सभी स्कूल, सभी कॉलेजेस को, बैंक्स को, सभी को क्या कह दिया था कि आप 28 तारीख को आपकी छुट्टी रहेगी, मजे कीजिए घर पे, सभी क्या रहेंगे? बंद रहेंगे जी, ठीक है जी। हमें सीखना है कि यहाँ पे देखो रेड मार्क रखा है रिमेन शट, यहाँ पे समझना एक चीज। स्क्रीन दूसरी ले लेते हैं डियर हम लोग। यस यस, अब मैंने यहाँ पे लिखा रिमेन शट, पहले एक बार लिख लेते हैं उसको, क्या है हम लोगों ने लिखा वहां पे रिमेन शट। अब होता है क्या कि जो वर्ब होती है रिमेन, यहाँ पे क्या डियर? वर्ब है हमारी जी, ठीक है जी। अब वर्ब हम लोगों को पता कि तीन टाइप की वर्ब होती है जी। एक तो वर्ब होती है जो एक्शन वर्ब होती है, एक वर्ब होती है जो हैपनिंग होती है जी, और एक वर्ब होती है जो स्टेट को रेफर करने वाली वर्ब होती है, ठीक है जी। स्टेट को रेफर करने वाले। एक्शन का मतलब जहां पे किसी ने कोई काम किया, डूअर प्रेजेंट होगा सेंटेंस में जी। हैपनिंग का मतलब जो अपने आप हो जाती है, डूअर प्रेजेंट नहीं होगा, नो डूअर। जैसे बारिश का होना है वो हैपनिंग है डियर, ठीक है, लेकिन किसी ने पानी फेंक दिया वो एक्शन है डियर। तो हैपनिंग और एक्शन ये हो गए। स्टेट का मतलब होता है जहां पे कोई एक्शन ही ना हो, नो एक्शन, एक्शन नहीं हो, कोई एक्टिविटी नहीं होगी डियर वहां पे, वो स्टेट होती है। अब एक्शन और हैपनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे हम लोग जब वर्ब का चैप्टर करेंगे डियर, अब सिर्फ स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा राइट, एक मैंने लिखा लव, और एक मैंने लिखा लाइक, ठीक है, लव लाइक, और एक मैंने लिखा नो, राइट लव लाइक नो, और एक मैंने लिखा बी की फॉर्म इज एम आर, ये भी हमारी स्टेट को रेफर करने वाली है जी, ठीक है जी। ये मेन वर्ब बनेगी, राइट है हमारी एक्शन वर्ब है, इसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा। लव हमारी स्टेटिव वर्ब है, कोई एक्शन नहीं कि लव 2 साल से प्यार कर रहा है, लव या तो लव करता है या लव नहीं करता है जी, इसका मतलब ये भी हमारी स्टेटिव वर्ब है, लेकिन इसके बाद भी क्या यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। लाइक का मतलब पसंद करना, पसंद करना भी क्या है? हमारी स्टेटिव वर्ब होती है, स्टेट ऑफ माइंड होती है डियर ये भी, लेकिन इसके बाद भी क्या यूज करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा। नो जानना स्टेट ऑफ माइंड होती है, हमारी मेंटल स्टेट को रेफर करने वाली वर्ब है, इसको मतलब भी जानना होता है, तो इसके बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। अब इज एम आर है स्टेट ये भी, क्या है? इज एम आर है स्टेट ये भी, लेकिन इसके बाद ऑब्जेक्ट यूज नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये स्टेट वो है जो अपने बाद किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की क्वालिटी बताएगी, तो इसके बाद हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा? एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा जी। तो ये बात ध्यान रखना, कई स्टेट ऐसी है जिनके बाद आप ऑब्जेक्ट यूज करोगे, और कई स्टेट ऐसी है जिनके बाद आप क्या यूज करोगे? एडजेक्टिव यूज करोगे जी। कैच करोगे एडजेक्टिव, जिन वर्ब्स के बाद एडजेक्टिव यूज होता है उन वर्ब्स को बोलते हैं स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, या उन्हीं को रखते हैं लिंकिंग वर्ब्स है जी, लिंकिंग वर्ब्स, ठीक है जी। अब लिंकिंग वर्ब्स का मतलब जो रिमेन है, रिमेन हमें पता लग गया एक्शन और हैपनिंग तो है ही नहीं, ये आगे स्टेट में। अब जब भी स्टेट का आ गया तो यहां पे रिमेन का मतलब रहना,
अब रहना के मतलब इसके बाद व्हाट या होम का रिप्लाई तो चाहिए नहीं, क्योंकि अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट चाहिए इसका मतलब या तो वो वर्ब अपने बाद व्हाट का रिप्लाई लेने वाली है या वो अपने बाद वर्ब होम का रिप्लाई लेने वाली वर्ब है जी। जैसे आई लव होम किससे प्यार करता है, आई लाइक व्हाट किससे प्यार करता है, किस कौन सी चीज पसंद है, इन वर्ब्स के बाद व्हाट या होम का रिप्लाई चाहिए। लेकिन रिमेन ऐसी वर्ब है जिसके बाद आप ना तो व्हाट चाहिए ना ही आपको होम चाहिए। अगर ना ही व्हाट चाहिए ना ही होम चाहिए इसका मतलब क्या नहीं चाहिए, उसके बाद ऑब्जेक्ट ही नहीं चाहिए हम लोगों को। अगर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए तो उसके बाद क्या चाहिए हम लोगों को, एडजेक्टिव चाहिए। तो रिमेन वर्ब के बाद हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा डियर, एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना आप लोगों को। और ये शर्ट यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म है डियर, थर्ड फॉर्म है जी, जो एक पास्ट पार्टिसिपल काम कर रही फ्रेंड्स यहाँ पे, ठीक है जी, पास्ट पार्टिसिपल। तो ये समझाना था कि ऐसी वर्ब्स जो स्टेटिव वर्ब होती हैं और अपने बाद ऑब्जेक्ट नहीं लेती उनको बोलते लिंकिंग वर्ब, और लिंकिंग वर्ब्स के बाद हमेशा आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़ेगा, बस ये सीखना था आप लोगों को जी, ठीक है जी। तो इस कंसेप्ट में यही है ताकि आप लोग रिवीजन हो जाए। यस, तो यहाँ पे क्या है, उनको डायरेक्शन दी गई कि वो बंद रहेंगे 28 अगस्त को जी, ठीक है जी। आगे पढ़ते हैं, वर्क कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। यस, द पुलिस एंड द पैरामिलिट्री पर्सनल वर डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स। पुलिस को और पैरामिलिट्री जो फोर्सेस अर्धसैनिक बल है उनके जो सेना है उसको बुलाया गया, उसको तैनात किया गया बहुत बड़ी संख्या में। द हरियाणा पुलिस चीफ हेल्ड अ मीटिंग विद सीनियर पुलिस ऑफिसर, जो हरियाणा पुलिस के चीफ हैं, ठीक है, उन्होंने मीटिंग को हेल्ड किया, मीटिंग ली किनकी, सीनियर पुलिस ऑफिसर्स के साथ ऑफ नेबरिंग स्टेट, मतलब पंजाब के, गुजरात के, राजस्थान के, इनके साथ क्या किया हम लोगों ने डियर, नेबरिंग स्टेट के साथ क्या ली, मीटिंग की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वर वॉच्ड क्लोजली, उनको क्या किया गया, क्लोजली वॉच किया गया, उन पर निगरानी रखी गई, ध्यान रखा जा रहा है कि कोई अगर पॉसिबल ट्रबल मेकर ना आ जाए, कोई ऐसी पोस्ट ना कर दे कि जिससे हम ट्रबल क्रिएट हो जाए, ठीक है जी। तो उन चीज को पहचानने के लिए वो पहले से ही क्या क्लोजली वॉच कर रहे हैं डियर, एंड देयर एंट्री टू नू प्रिवेंटेड, वो ट्रबल मेकर्स जिनकी एंट्री क्या है नू में प्रिवेंट की गई। ऐसा लग रहा था ना कि ये बंदा दिक्कत दे सकता है अगर मान लो यहाँ पे हुआ नू में, तो उसको एंट्री ही नहीं दी वहां पे, ठीक है जी। एज मैनी एज 41 पीपल वर डिटेन अक्रॉस हरियाणा, अब तक लगभग 41 लोग हैं जो क्या कर लिए गए हैं, बंदी बना लिए गए हैं पूरे हरियाणा से जी, ठीक है जी। आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहे हैं, सिमिलर मेजर्स एंड अर्नेस्टनेस ऑन द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कुड हैव प्रिवेंटेड द सिचुएशन ऑन July 31। अगर मान लो इसी तरीके के मेजर लिए जाते, सिमिलर मेजर्स और अर्नेस्ट का मतलब डिटर्मिनेशन, अर्नेस्ट का मतलब क्या होता है, जो दृढ़ निश्चय, अगर यही कदम होते और यही दृढ़ निश्चय होता किसके पार्ट पे, एडमिनिस्ट्रेशन के पार्ट पे, सरकार के हाथ पे, सरकार के एवज में कह रहे हैं, तो ये क्या कर सकते थे, कुड हैव प्रिवेंटेड, ये बचा सकते थे किसको, सिचुएशन को, जब वो July 31 में हुई थी जी, उस चीज को ये बचा सकते थे जी। अब यहाँ पे सीखना हम लोग कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है क्या, कभी अगर मॉडल आ जाए, मॉडल प्लस में हैव वर्ब आ जाए और हैव के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाए, थर्ड फॉर्म, इसको बोलते हैं मॉडल्स की परफेक्ट फॉर्म जी, कौन सी फॉर्म, परफेक्ट फॉर्म। और परफेक्ट का मतलब होता है एक्शन कंप्लीट हो जाना, अगर एक्शन कंप्लीट हो गया तो इसी बात कब के बारे में बात करेगा डी, पास्ट के बारे में बात करेगा फ्रेंड्स, इसके बारे में बात करेगा पास्ट। मॉडल यहाँ पे कौन सा होगा हमारा, ठीक कुड हो सकता है, वुड हो सकता है, ठीक है, और माइट हो सकता है। तो अगर इन मॉडल्स के बाद आप हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब होता है कि पहली बात वो पास्ट के बारे में बात कर रहा है और वो मीनिंग अपोजिट देगा जी। जैसे कुड हैव प्रिवेंटेड, इसका मतलब वो बचा सकते थे, मतलब उन्होंने क्या नहीं किया, बचाया नहीं जी। दे डोंट हैव एबिलिटी, उनके पास एबिलिटी नहीं थी जी, ठीक है जी। तो ध्यान रखना, पहली बात तो ये पास्ट के बारे में बताएगा और एक मीनिंग नेगेटिव देगा जो लिखा है जी, Could have prevented का उन्होंने बचाया नहीं बल्कि बचा सकते थे, ठीक है जी, ये बात ध्यान रखोगे आप लोग। अगर July 31 को ऐसे सिमिलर मेजर्स और अर्नेस्टनेस को यूज किया होता तो उस चीज को बचा सकते थे, स्पेशली विद इनपुट्स, इनपुट्स का मतलब इनको इन्फॉर्मेशन मिल गई थी किसके द्वारा, स्टेट CID के द्वारा, ऑन पॉसिबल ट्रबल ड्यूरिंग द रिलीजियस प्रोसेशन, इनको पहले पता लग गया था, CID ने बता दिया था कि भाई ये जो यात्रा रैली निकाल रहे हैं ना, रिलीजियस रैली है ये और दिक्कत होने की चांसेस है इसमें, ठीक है जी, आप लोग थोड़ा संभल जाओ जी। लेकिन इन्होंने एक्शन नहीं लिया और 6 लोग मर गए थे वहां पे जी, ठीक है जी। आगे क्या कह रहे हैं, ऑल स्टेक होल्डर्स का मतलब जिनका एक जैसा इंटरेस्ट होता है, जो एक ही पार्टी के लोग होते हैं, मस्ट लर्न, जो ये स्टेक होल्डर्स हैं इनको सीखना चाहिए उनके लेसन से, आफ्टर द 10th डे, उस 10th डे July 31 के 10th डे से सीखना चाहिए कि यस हमें क्या कर लेना चाहिए था, सबक सीखना चाहिए इनको जी, ठीक है। विच थैंकफुली पास्ड विदाउट अ फ्लेवर,
विच, सॉरी ये टेंस डे का मतलब क्या होता है, ये 28 अगस्त के बारे में बात कर रहा, सॉरी 28 अगस्त के बारे में। टेंस डे का मतलब सारा दिन क्या टेंशन बनी रही जी, ठीक है। टेंस डे विच थैंकफुली पास विदाउट फ्लेयर अप, कोई भी दंगा फसाद नहीं हुआ और उसके बिना दंगा फसाद के वो निकल गया दिन जी, ठीक है। इससे लेसन सीखना चाहिए कि यस हमें पहले ही किसी चीज के प्रति रेडी रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा जी, तभी हम उस चीज को अच्छे तरीके से एग्जामिन कर पाएंगे जी, ठीक है। हिंदूज एंड मुस्लिम मस्ट पुट द रीसेंट पास्ट बिहाइंड देम टू रिस्टोर म्यूचुअल ट्रस्ट एंड हार्मनी। जो हिंदू और मुस्लिम जो कम्युनिटी है उनको क्या है, अपने पास्ट को भूल जाना चाहिए, क्या करने के लिए, म्यूचुअल ट्रस्ट और हार्मनी को रिस्टोर करने के लिए जी, शांति स्थापित करने के लिए बीती बातों को भूल जाओ भैया। एंड इट्स नॉट जस्ट नो, ये सिर्फ नो के बारे में बात नहीं कर रहा, द स्टेक्स आर इक्वली हाई फॉर इट्स रादर प्रॉस्पर नेबर गुरुग्राम। तो स्टेक्स का मतलब क्या हो गया, जो दिक्कत है ना, जो परेशानी है वो इक्वल है किसके लिए, इसके नेबर गुरुग्राम के लिए भी, जो एक आईटी और ऑटोमोटिव हब है, हब का मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, और ये फाइनेंशियल कैपिटल है हरियाणा की, दैट अबट्स दिल्ली। ये जो स्टेक्स हैं, ये जो दिक्कतें हैं, ये गुड़गांव के लिए भी उतनी ही क्या है, कारगर सिद्ध हो सकती है अगर इन्होंने कुछ नहीं किया। वो गुरुग्राम जो ऑटोमेटिव और आईटी का हब है और हरियाणा की फाइनेंशियल कैपिटल है और दिल्ली से क्या हुआ जुड़ा हुआ है जी, ठीक है जी। गुड़गांव, गुड़गांव के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। द पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन मस्ट डील विद एन एनी अनस्क्रूपलस अटेम्प्ट टू डिस्टर्ब द पीस ऑफ एनी रीजन अगेन विद एन आयरन हैंड एंड सेंड अक्रॉस अ क्लियर सिग्नल टू फ्रिंज एलिमेंट्स दैट नो वन इज अबव द लॉ। पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को डील करना चाहिए विद एनी अनस्क्रूपलस अटेम्प्ट, अनस्क्रूपलस का मतलब अनडिसिप्लिन, ठीक है जी, मतलब जो दंगे फैलाने वाले जो अटेम्प्ट हैं इनको क्या करना, डील करना चाहिए कि वो क्या ना कर पाए, डिस्टर्ब ना कर पाए पीस को, शांति को भंग ना कर पाए किसी भी रीजन में दोबारा जी। किसके साथ करना पड़ेगा उनको हैंडल, डील किसके साथ करना पड़ेगा, विद एन आयरन हैंड। आयरन हैंड का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन लेके, ठीक है जी, मजबूत एक्शन लेके आपको उससे क्या करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा, और एक एक मैसेज पूरे हरियाणा भेजना पड़ेगा, एक मैसेज, एक सिग्नल भेजना पड़ेगा, क्या, टू फ्रिंज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो किसी से क्या है चारों तरफ घिरे हुए हैं, जिनसे नू घिरा हुआ है, या पूरे हरियाणा में जो एलिमेंट्स हैं, फ्रिंज एलिमेंट हैं, जो इस दंगे फैलाने वाले गिरोह से के मिले हुए हैं या उसके उस जैसे हैं, उनको एक सिग्नल भेजना है वाला है, भेजना चाहिए या सिग्नल भेजेगा ये कि कोई भी बंदा अबोध नहीं है लाश से जी, कि कानून से ऊपर कोई भी बंदा नहीं है जी, कानून सब कुछ है जी, ठीक है। द मैनर इन विच भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इन हरियाणा हैज हैंडल द सिचुएशन प्रूव्स दैट कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट कैन इनडीड बी कंट्रोल्ड। जिस तरीके से बीजेपी ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने जो हरियाणा में है हैंडल किया है सिचुएशन को, ये दावा करती है, प्रूव करती है कि कम्युनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं कैन इनडीड बी कंट्रोल, उनको वास्तव में कंट्रोल किया जा सकता है, जब पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव, पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव और सॉरी वेन पोलिटिकल एग्जीक्यूटिव सोच डिटर्मिनेशन, जब ये अपना दृढ़ निश्चय दिखा देंगे, जब अपनी आपस की ये भावना दिखा देंगे ना, तब तो कुछ भी करना पॉसिबल हो पाएगा जी, ठीक है जी। चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर हिमसेल्फ मेड इट क्लियर थ्रू द पब्लिक स्टेटमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस दैट द लॉ विल प्रिवेल। पहले बार मीनिंग सीख लेते हैं, फिर हम लोग इसको कंसेप्ट को सीखेंगे जी। जो चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर जी हैं, उन्होंने खुद ही से जो क्लियर कर दिया किसके द्वारा, पुलिस स्टेटमेंट्स के द्वारा, पब्लिक स्टेटमेंट के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा कि लॉ विल प्रिवेल, कि क्या है, लॉ विल प्रिवेल, कि जो कानून है उसकी जीत ही होगी जी, ठीक है। हमें सीखना क्या यहाँ पे, हम लोग कि खट्टर हिमसेल्फ मेड इट, यहाँ पे समझना एक चीज, एक चीज लेनी पड़ेगी, व्हाइट स्क्रीन ले लेते हैं अब की बार, ठीक है, और ब्लैक ले लेते हैं पेन, यस। यहाँ पे मैंने लिखा वर्ड हिमसेल्फ, हिमसेल्फ का मतलब डियर आप लोग कंसेप्ट सभी पे सेम रहेगा, चाहे वो माई सेल्फ हो, ठीक है, चाहे वो हिमसेल्फ हो, मतलब जो हिमसेल्फ वर्ड है डियर, ये प्रनाउन के तरीके से काम करता है, और इसको हम लोग क्या है, एक तो बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रनाउन जी, और एक बोलते हैं इनडेफिनेट प्रनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रनाउन हो गया। एक प्रनाउन की टाइप और कौन सी यार, रेसिप्रोकल तो नहीं है ये, स्ट्रेस देने के लिए बोलते हैं ना एम्फेसाइज प्रोनाउन, एम्फेटिक सॉरी, और सॉरी एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन होता है एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेटिक प्रोनाउन जी, ठीक है जी। कहने का मतलब तो हिमसेल्फ वर्ड है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तरीके से भी यूज हो जाएगा और
एम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से भी। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब तब होगा जब ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे जी, बस ये बात ध्यान रखना जी। जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेंटेंस में, या हमें ऐसे प्रोनाउन की जरूरत है जो सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, इसका मतलब वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन चाहिए। और जहां पे ना तो सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट ना ही ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट, सिर्फ उसको स्ट्रेस करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए प्रोनाउन की जरूरत, तो वहां पे हिमसेल्फ एक एम्फेटिक प्रोनाउन के तरीके से काम करने का। जैसे मैंने लिखा ही हैंग्ड डैश, फिर मैंने लिखा ही डैश गेव देम सम मनी। ये दो सेंटेंस में लिखे दिए यहाँ पे। अब हमें पता कि ही थैंक्ड होम डिड ही थैंक, किसको उसने मतलब थैंक किया, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है डियर, तो यहाँ पे क्या हिमसेल्फ। अब कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हमारे पास, हमने हिमसेल्फ लिख दिया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। उसने अपने आप को क्या किया, थैंक किया, थैंक यू बोला अपने आप से जी, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पे क्या, ही डैश गेव देम सम मनी, ये सेंटेंस अपने आप कंप्लीट है, इस फिलर की जरूरत नहीं है कि उसने उनको पैसे दे दिए जी। लेकिन यहाँ पे हमें स्ट्रेस करना है कि उसने खुद ने दिए जी, तो यहाँ पे क्या आएगा, हिमसेल्फ आ जाएगा जी, ठीक है जी। ही हिमसेल्फ गेव देम सम मनी कि उसने खुद ने दिए हैं, ऐसा नहीं कि किसी और ने दे दिए जी। उस बात को स्ट्रेस करने के लिए किसके ऊपर स्ट्रेस कर रहा है डेरिए, ही के ऊपर स्ट्रेस कर रहा है जी। तो बात ध्यान रखना, जहां पे ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है वहां पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के बाद आएगा, और जहां पे एम्फसाइज करने की जरूरत है वहां पे वर्ब से पहले आएगा, ये बात ध्यान रखनी आप लोगों को जी, ठीक है जी। इसकी पोजिशन वैसे जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है ना जी, सेंटेंस के लास्ट में भी कर लेते हैं जी, ही गेव देम मनी हिमसेल्फ जी, उसने खुद ने दी जी, ठीक है। लेकिन वर्ब के तुरंत बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आएगा जी, एम्फेटिक प्रोनाउन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रखोगे जी। तो इस कंसेप्ट में सिर्फ ये सिखाना था आप लोगों को। ओह शिट। यस। तो खट्टर हिमसेल्फ, उसने खुद ने इस बात को क्लियर किया है पब्लिक स्टेटमेंट्स के द्वारा और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के द्वारा कि कानून की ही जीत होती है। द इनवर्स इज ऑल्सो ट्रू, इसका जो उल्टा है वो भी ट्रू है कि जो पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आर ऑफन कंप्लीसिट इन कम्युनल वायलेंस, इन कम्युनल वायलेंस, इसका उल्टा भी सही है कि जो पुलिस है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कंप्लीसिट होती है। कंप्लीसिट का मतलब होता है वो खुद साथ देने वाली होती है कई बार किसको, कम्युनिटी कम्युनल वायलेंस में, जातीय दंगों को बढ़ाने में, उनको भंग करने में, उनको और ज्यादा मतलब बढ़ाने में, जैसे आग में घी डालने का काम करती कई बार कौन, पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जी, ठीक है जी। तो कई बार क्या ये उसका पार्ट भी होती है, उसका हिस्सा भी होती है जी। यहाँ पे भी एक चीज सीखनी हम लोगों को, आर ओफन जी, वर्ड क्या लिखा है, आर ओफन, देखो समझना यहाँ पे एक चीज। यस, सेंटेंस था हमारा कि पुलिस आर ओफन जी, पुलिस आर ओफन। अब जो ओफन वर्ड है, पहले तो ओफन के बारे में सीखना जी। ओफन होता हमारा एडवर्ब फ्रीक्वेंसी। अब ये हर वर्ड पे एप्लीकेबल रहेगा जो फ्रीक्वेंसी वाला वर्ड रहेगा जी, ठीक है। अब जो हमें पता कि जो फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड्स होते हैं उनकी जो पोजीशन होती है डियर, वो वर्ब से पहले होती है। जैसे आई ऑफन वेक अप एट 5 AM। अब हमें पता ओफन अब फ्रीक्वेंसी के लिए आ गया, तो हमेशा मेन वर्ब से पहले इसकी पोजीशन होती है जी, ठीक है जी। एक मैंने सेंटेंस लिखा, ये तो हमारा एक्शन होगा जी, आई ऑलवेज राइट विद राइट हैंड, ये ऑलवेज आ गया डियर, वर्ब से पहले आ गया। लेकिन अगर सेंटेंस हमने लिखा ही ऑलवेज इज बाल्ड, बाल्ड का मतलब भैया गंजा है वो जी, लेकिन हमें पता कि इज यहाँ पे वर्ब आ गया डियर, और वर्ब से पहले हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी यूज कर ली ऑलवेज जी, और जिस तरीके से सीखा उस तरीके से ठीक लिखा है। लेकिन जब भी सेंटेंस में हम लोग इज जो कि बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म कौन सी, इज आ जाए, एम आ जाए और आर आ जाए, वो आ जाए या वर आ जाए डियर, जब भी सेंटेंस में ये वाली वर्ब मेन वर्ब का काम करेंगे तो उस सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होता, क्योंकि जिसकी फ्रीक्वेंसी दिखा पाओ आप, तो इसका मतलब क्या होगा, उसको एडवर्ब के तरीके से यूज करना पड़ेगा और वर्ब के बाद यूज करना पड़ेगा जी आप लोगों को जी, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा ही इज ऑलवेज बोल्ड, ये हमेशा से क्या भैया बोल्ड है, बोल्ड का मतलब
ब्रेव नहीं भैया, बाल्ड का मतलब क्या होगा, वो हमेशा से गंजा है जी। तो समझना क्या है, इन वर्ब्स का जब भी मेन वर्ब के तरीके से यूज करोगे तो इनके बाद हमेशा क्या यूज करनी पड़ेगी, फ्रीक्वेंसी, अगर यूज करना चाह रहे हो सेंटेंस में जी, इनसे पहले यूज नहीं होगी। ठीक है जी, तो ये छोटा सा कंसेप्ट आपको सिखाना था, ध्यान रखोगे आप लोग। यस, इसके साथ हम लोगों ने आज के एडिटोरियल को डिस्कस भी कर लिया। अब इसके बेस पे जो भी हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रह सकते हैं या बनेंगे वो मैंने इसके आपके लिए लिए हैं जी। ठीक है जी, आपको क्वेश्चन 7 या 10 जितने भी होंगे डियर आपको अटेम्प्ट करने हैं। आपको क्वेश्चन करने के लिए 5 से 10 सेकंड का टाइम मिलेगा, 7 सेकंड देते हैं जी, 7 सेकंड का टाइम मिलेगा डियर। 7 सेकंड में आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ना है और जल्द से आंसर देने की कोशिश करनी है जी, या वीडियो को पॉज भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है फ्रेंड्स। ठीक है जी, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज दैट द टर्म प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स मेंशन इन द पैसेज रेफर टू, जो प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स को वर्ड यूज किया है पैसेज में वो किस चीज को रेफर करने वाला वर्ड है जी, आपको बताना फ्रेंड्स ये वाला। यस, टेक योर टाइम। फर्स्ट ऑप्शन है ऑर्डर्स, एक सेकेंड। यस, ऑर्डर्स इशूड बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए ऐसे ऑर्डर नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ को हमें प्रमोट नहीं करना था। ऑर्डर्स गिवन बाय द पुलिस टू कंट्रोल कम्युनल टेंशन। यस, ये पुलिस के द्वारा दिए गए ऑर्डर से जो जातीय दंगों को कंट्रोल करने के लिए थे। ऑर्डर टू सस्पेंड इंटरनेट सर्विस, इंटरनेट सर्विस को सस्पेंड करने के लिए ऑर्डर नहीं थे डियर, ये शट डाउन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं, उनको शट डाउन करने के लिए भी नहीं थे, ये क्या करते कंट्रोल करने के लिए कम्युनल टेंशन को। ठीक, आंसर बनेगा बी वाला जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पैसेज द वर्ड डज G20 समिट, इस G20 समिट का मतलब पैसेज के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से यूज हुआ है जी। एक रिलीजियस गैदरिंग को रेफर करने के लिए नहीं भैया। अ ग्लोबल एंड इकोनॉमिक फाइनेंशियल मीटिंग, यस G20 समिट क्या होता है, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मीटिंग को रेफर करने के लिए करते हैं जी। कल्चरल फेस्टिवल नहीं है, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस नहीं है जी, VSP के द्वारा जो ऑर्गेनाइज की जाएगी, नहीं, आंसर बनेगा हमारा बी वाला। इजी क्वेश्चन था ये वाला जी। नेक्स्ट वाला देखते हैं, व्हाट वाज द चीफ मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर रोल इन हैंडलिंग द सिचुएशन। खट्टर जी का क्या रोल था सिचुएशन को हैंडल करने में, वो हमें बताना है डियर। यहाँ पे पहले वाला कि ही एनकरेज द रिलीजियस प्रोसेशन, उसने रिलीजियस रैलीज को एनकरेज किया, नहीं भैया उसने तो उसको मना किया डियर। ही टुक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट, यस उसने सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लिए, पुलिस का सहारा लिया, लोगों का CID का सहारा लिया, क्या करने के लिए कॉन्फ्लिक्ट को प्रिवेंट करने के लिए जी, उसको अब उनसे जातीय दंगों को होने से बचाने के लिए जी। ठीक, आंसर हमारा बी हो सकता है। ही पार्टिसिपेट इन द प्रोसेशन रैली में, उसने भाग लिया, नहीं भैया। ही सपोर्टेड द फ्रिंज एलिमेंट, फ्रिंज का मतलब होता है जो दंगे बढ़ाने वाले एलिमेंट है उनका सपोर्ट किया इसने, नहीं, आंसर नहीं बनेगा हमारा, आंसर आंसर बनेगा डियर बी वाला। बहुत ईजी क्वेश्चन था डियर ये वाला। फोर्थ वाला जी, द पैसेज सजेस्ट दैट द अथॉरिटीज रिस्पॉन्स टू द सिचुएशन ऑन जुलाई 31। जुलाई 31 के बारे में बात करें डियर, की जो अथॉरिटीज थी, जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थी, उसका क्या रिस्पॉन्स था। कम्युनल बायस, वो पहले उसी ने करवाया था क्या, उसी ने दंगे करवाए थे डियर, नहीं ऐसी बात नहीं की पैसेज में। स्विफ्ट एंड प्रोएक्टिव, बहुत तेजी से और बहुत अच्छे तरीके से एक्शन लिया, नहीं भैया 6 लोगों की जान नहीं जाती अगर ऐसा होता तो। पॉलिटिकली मोटिवेटेड, वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, नहीं ऐसी बात नहीं की पैसेज में, बल्कि वो एफर्ट थे क्या थे, इनइफेक्टिव और अनकोऑर्डिनेटेड थे जी। ठीक है, हमें लेसन सीखने की बात की गई देर, तो उसी से लेसन सीखने की बात की गई, पिछली बार आप लोगों के जो एफर्ट थे वो इनइफेक्टिव थे और अनकोऑर्डिनेटेड थे जी, इसलिए लेसन सीखने की बात की, आंसर बनेगा हमारा फर्स्ट वाला जी। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू द पैसेज वट मैसेज डज द एडमिनिस्ट्रेशन एम टू कन्वे टू द फ्रिंज एलिमेंट। पैसेज के अकॉर्डिंग कौन सा वो मैसेज था जो एडमिनिस्ट्रेशन ने, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब एम था कि वो फ्रिंज एलिमेंट तक चले जाना चाहिए जी। ठीक है जी, कौन सा है वो हमें मैसेज देना था। फर्स्ट वाला कि फ्रिंज एलिमेंट आर इम्यून टू लीगल एक्शन, इम्यून का मतलब क्या होता है, उनको दिक्कत होती है क्या, कोई अगर कोई लीगल एक्शन लेगा तो उसका इलाज इनके पास है, फ्रिंज एलिमेंट के पास, नहीं ऐसी बात नहीं की गई। फ्रिंज एलिमेंट आर इंटीग्रल टू पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, इंटीग्रल का मतलब उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है, नहीं ऐसी बात नहीं की गई डियर। लॉ एंड ऑर्डर विल बी एनफोर्स विदाउट बायस, उनको ये बताने की लॉ एंड ऑर्डर को एनफोर्स किया जाएगा, लागू किया जाएगा विदाउट बायस। विदाउट बायस का मतलब क्या होता है, कोई भी भाई भतीजावाद नहीं देखा जाएगा जी।
गलत है तो गलत है, सही है तो सही है जी, आंसर बनेगा सी वाला जी। ठीक है, फ्रिज एलिमेंट शुड लीड रिलीजियस प्रोसेशन, नहीं ऐसे आंसर नहीं बनेगा जी। ठीक है, कि उनको रिलीजियस प्रोसेशन को लीड करने के मतलब चाहिए उनको फ्रिज एलिमेंट को जी, नहीं ये पैसेज में कोई एम नहीं था एडमिनिस्ट्रेशन का जी, आंसर बनेगा सी वाला जी, बहुत ईजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वट कुड बी अ पोटेंशियल रीजन, क्या वो पोटेंशियल रीजन हो सकता है सस्पेंशन के लिए इंटरनेट सर्विस इन नू, इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया था नू में, क्या वो रीजन हो सकते हैं जी? ठीक है जी, टू प्रमोट ऑफलाइन कम्युनिटी, ऑफलाइन कम्युनिटी को प्रमोट करने के लिए, नहीं भैया। टू एनकरेज एजुकेशनल एक्टिविटीज, एजुकेशनल एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, नहीं भैया। टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ र्यूमर्स एंड मिस इन्फॉर्मेशन, यस, र्यूमर्स और मिस इन्फॉर्मेशन को, गलत इन्फॉर्मेशन को बढ़ाने की ना बढ़ाया जा सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया गया, आंसर बनेगा सी वाला जी। टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज, नहीं ऐसी बात नहीं की कि हमें एनर्जी रिसोर्सेज को बचाना है जी, सी बनेगा आंसर जी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास, टेक योर टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज जी, सॉरी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है जो पैसेज के अकॉर्डिंग सही है जी? G20 समिट एंड द रिलीजियस प्रोसेशन वर हेल्ड कंकरेंटली, नहीं कंकरेंटली नहीं भैया, बल्कि उसे पहले हो गया था वो। तो VHP ऑर्गेनाइज द G20 समिट, ना यार ये कौन, ये थोड़ा ना ऑर्गेनाइज करेगी G20 समिट को। द अथॉरिटी इज ग्रांटेड परमिशन फॉर द प्रोसेशन विदाउट एनी कंडीशन, अथॉरिटी ने परमिशन दे दी थी कि आप लोग यात्रा निकाल सकते हो, नहीं। द पुलिस चीफ ऑफ हरियाणा डिस्करेज सिक्योरिटी मेजर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू बेस्ड ऑन द पैसेज, पुलिस चीफ हरियाणा डिस्करेज, डिस्करेज नहीं भैया, एनकरेज आना चाहिए यहाँ पे जो, उसने एनकरेज किया डियर, मतलब कि लाइसेंस सीखने की बात की थी, ठीक एनकरेज आएगा डियर यहाँ पे, ठीक है ये मिसप्रिंट होगा डियर, सॉरी आंसर बनेगा डी वाला जी हमारा जी। ठीक है जी, तो आज वाले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए डियर, आप लोग जितने भी मार्क्स बने हैं चाहे वो 7 के 7 हो चाहे 6 के 6 हैं, तो आपको कमेंट करना फ्रेंड्स, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग क्वेश्चन क्वेश्चन कितने क्वेश्चन ठीक कर पा रहे हो। ठीक है जी, तो आज के इस एडिटोरियल में हमें ये सीखना था, फिर भी अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही फ्रेंड्स, तो आप लोगों को चैनल सब्सक्राइब कर देना और इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर देना फ्रेंड, ताकि जो आपके जो भाई बंधु हैं ठीक है, उन तक भी इन चीज़ के बारे में इसकी नॉलेज पहुंच सके जी, ठीक है, इससे फायदा उठा सके जी बहुत जी। ठीक है जी, तो आज की इस वीडियो में हमें ये डिस्कस करना था, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।